ये धातियों अक्षाभास जिसे गणित में प्रश्नावली नंबर 3 में अपना प्रकरण बहुपद चल रहा था। आपने बहुपद के सुन में क्या मैंने सीख लिए थे कि किसी त्रिपद के अंदर बहुपद दिया गया है और उसके मध्य पद के दो खंडों में विभाजित करके और फिर इसको पूर्ण वर्ग बना करके आपने उसके गुणनखंड विधि लगा करके और शून्य ज्ञात किए थे, यानी हल ज्ञात किया था। अब अगला अपना बिंदु आज बहुपद की स्थापना करना है, यानी जब किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल वह उनका गुणनफल दिया गया हो तब बहुपद की स्थापना करना। यदि किसी बहुपद के शून्यांकों का योगफल वह गुणनफल दिया गया हो बहुपद की स्थापना करना, यानी बहुपद का निर्माण करना। तो हमने पीछे पढ़ा था कि किसी बहुपद के जो शून्य है उन शून्यकों के मध्य कुछ संबंध पाया जाता है, उस संबंध के द्वारा हमने उसकी सत्यता की जांच की थी। इसी के आधार पर है जब किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल वह गुणनफल अगर दिया गया हो तो हमें उसे बहुपद को स्थापित करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी बहुपद उनका मान रखेंगे।
सूत्र क्या करेगा, सुन रहे हैं, x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, आपको का योग cos स्क्वायर इनटू x प्लस गुणांकों का गुणनफल। ये सूत्र है, इस सूत्र में जब आप सुनने को योगफल और गुणनफल जब दिया गया है तो हम इसका मान रखेंगे और इसका मान रखने पर हमें बहुत प्राप्त हो जाएगा। सूत्र में मान रखने पर एक्स का स्क्वायर माइनस यहां सुनने को योगफल एक बटा चार दिया गया है, एक्स प्लस सुनने को गुणनफल माइनस का एक दिया गया है। अब ये तो मान लेते हैं सूत्र में और मैं सूत्र को हल कर लेते हैं। मान रखने के बाद एक्स का स्क्वायर माइनस एक बटा चार एक्स माइनस एक बहुपद जो है इसकी संख्या गुणात्मक है, एक्स का जो गुणांक है वो गुणात्मक है। इसको हटाने के लिए हमें सभी पदों को चार से इनपुट कर लेते हैं। चार से इनपुट करने के बाद सभी पदों को चार से गुणा करने पर चार एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस एक अपना बहुपद प्राप्त हो गया। उस प्रकार किसी भी बहुपद के अगर शून्य दिए गए तो इस सूत्र में मान रखने पर आपको ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र को नोट कर लेना नोटबुक में ताकि जब भी हमें किसी बहुपद की सुनने को योगफल व उसका गुणनफल दिया गया तब हमें उस बहुपद का निर्माण कर ले। और सबसे बाहर माइनस का तीन
अंदर भी माइनस की संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस का 3x और प्लस का 2, ये हमारा बहुपद स्थापित हो गया। तो इस प्रकार अगर किसी बहुपद के तुम्हें संयोगों का योगफल और उनका गुणनफल दिया गया है, तब हम इस प्रकार इस बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार दिए गए शून्य को अगर शून्य दिए गए अल्फा और बीटा, तब हम इनका योगफल करके और गुणनफल ज्ञात करके बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। इसी अभ्यास में एक अन्य क्वेश्चन और दिया गया है, जिसमें लिखा है एक त्रिकाल बहुपद है f(x) का बहुपद है f(x) x का स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस के, और इसमें दिया गया है कि जो शून्य गए हैं शून्यों के वर्गों का योग है बराबर 40 है, यानी इसमें लिखा है कि इसमें शून्य गए उनके वर्ग का योग 40 है, तब हमें k का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन विशेष तौर से कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है उसमें हम देखते हैं कि हमने जो किसी बहुपद के समीकरणों की जांच की थी, वह हमने पाया था कि मूलों का अगर मूल है और बीटा हो तो मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए था, तो यहां इसके बराबर है, ये माइनस का चिन्ह पहले से लगा है और फिर माइनस आठ बटा ए बराबर 8 है, यानी मूलों का जो योग है वो 8 है और मूलों का गुणनफल c बटा a बराबर k बटा a बराबर k है। इस बहुपद में मूलों का योग 8 है जबकि मूलों का गुणनफल k है। इसको दिया गया है कि शून्यकों के वर्गों का योग, इसके शून्य में अल्फा और बीटा है, अगर शून्य में अल्फा बीटा या ए बी मान ले तब शून्यकों का योग वर्गों का योग 40 किया गया है, तब शून्यकों के वर्गों का योग अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, तो हमें अल्फा बीटा का मान रखते हैं। इसके अल्फा और बीटा का मान रखने पर 8 का स्क्वायर बराबर 40, लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग है, शून्यकों का योग न करके वर्गों का योग है, तो अल्फा प्लस है बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और बीटा। क्योंकि आप इसमें सूत्र में अगर मान रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इसके वर्गों का योग, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें हमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 40 है,
बराबर 64, 2 के बराबर 64 माइनस 40, 2 के बराबर 24, के बराबर 12। क्योंकि ये मूलों का गुणनफल के था, k के बराबर यहाँ पर 2ab, मूल f और बीटा, प्राइम और बीटा के समान था, ये f प्लस बीटा स्क्वायर 40 का 40 समान है क्या? जबकि इसने क्या है कि मूलों का योग है, वर्गों का योग 40 है और मूलों का योग 8 है, तो मूलों के वर्ग f प्लस बीटा में मान लेने पर इसका मान k बराबर 12 प्राप्त हो गया। इसी क्रम में आगे अपने पास दूसरा बिंदु है कि किसी बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम की जांच करना, यानी जो आपने 9th कक्षा में भाग सीखा था व्यंजकों का, जो उसमें दो विधियां सीखी थी, एक तो शेष पर प्रमेय से शेष पर क्या करना सीखा था, दूसरा प्रत्यक्ष भाग देकर के शेष फल ज्ञात किया था। और इसमें वो प्रत्यक्ष भाग विधि है जिसमें हमें भाग देकर के शेष फल ज्ञात करना है। तो इसमें एक संख्या, एक बहुपद है पी एक्स या एफ एक्स है, बहुपद एफ एक्स में x की घात 4 माइनस 3x का क्यूब और 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में, यानी ये fx बहुपद है, इसमें हमें दूसरा बहुपद है gx, दूसरा बहुपद जी एक्स का भाग देना है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का, यानी एफ एक्स बहुपद में बहुपद जी एक्स का भाग देना है और हमें भाग भर और शेष पर ज्ञात करने हैं। तो इसमें बी जी मैं देखूंगा जो भाग था वो हमें प्रत्यक्ष विधि से बाहर दे करके भागफल और शेष पर ज्ञात करते हैं। ये एफ एक्स है, इसमें हमें भाग दे देते हैं जी एक्स का, लेकिन जी एक्स में जो संख्या लिखी है उस संख्या जो भाजक है अपना जी एक्स भाजक है, भाजक में संख्या का क्रम सही नहीं है, तो सबसे पहले हमें भाग देते समय संख्या को क्रमानुसार लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले बड़ी घात आती है, उसके बाद उसकी छोटी घात आती है, उसके बाद उसकी फिर छोटी घात आती है, अंतिम रूप से अक्षरपद आता है, जबकि जी एक्स में अक्षरपद बीच में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्रम से लिखेंगे। x का स्क्वायर फिर माइनस की घात x की एक x और प्लस का एक, अब ये हो गया संख्या क्रम से। अब हमें इस जी एक्स का इस एफ एक्स में भाग देंगे, ये अपना भाज्य है, ये भाजक है और दूसरा है वो भाग भर जाएगा, शेष बचेगा और शेष भर जाएगा। फिर इसमें हम करण विधि से इसकी जांच भी कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल सूत्र से, उसी सूत्र का नाम करण विधि लिखा गया है, उसके अनुसार हम पहले भाग देते हैं। हाँ, भाग देने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में विशेष पूछा जाता है, वाक्य
तो बाहर देने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं जो भाज्य में पहला पद है वहां एक्स की घात चार है और जो अपने पास भाजक है उसमें एक्स की घात दो है, तो हमें एक्स की घात चार प्राप्त करने के लिए एक्स की घात दो को एक्स की घात दो से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि घातांक में नियम है कि जब किसी संख्या घात को गुणा होता है तब घात छूटती है। आपने नाइन्थ में पढ़ा था ए की घात एन इंटू ए की घात एम बराबर ए की घात एन प्लस एम, क्योंकि घातांक में नियम है कि जब घात गुणा होती है आधार समान हो तो घात छूटती है, इसीलिए हमें यहाँ एक्स की घात दो है इसको एक्स की घात दो से गुणा करेंगे तो घात जोड़ करके एक्स की घात हमें चार प्राप्त हो जाएगी, और फिर हम इसको बाकी करके और इसका विलोम कर देंगे। इसलिए सबसे पहले हमें भाग एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपना भाग बल है। अब जिस संख्या को हमने भाग दिया है भाग बल तो माना है, जैसे अगर हमें 35 में अगर 7 का भाग देते हैं तो हमें भाग पर 5 है, 5 को हमें 7 से इनपुट करना पड़े 35 प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो अपना भाग बल है एक्स स्क्वायर तो इसको पूरी संख्या भाजक से इनटू करेंगे और पूरी संख्या के नीचे डाल करके और हमें इसकी बाकी करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करने में यानी एक्स की घात चार प्राप्त हो गई प्लस की फिर माइनस एक्स है, माइनस एक्स को प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करना है तब एक्स स्क्वायर की घात दो एक तीन हो गई और माइनस की हो गई। अब अपने पास विशेष ये है कि जो संख्या अपने पास भाज्य के रूप में लिखी हुई है उसमें एक्स की घात तीन का कोई पद नहीं है, एक्स की घात चार के बाद सीधा एक्स की घात दो का पद है, तो हमें एक्स की घात तीन वाला पद है इधर सबसे अंतिम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पद उसी क्रम से लिखा जाएगा। अगर दो की घात का पद है उसके नीचे दो की घात का पद लिखा जाएगा, अगर तीन की घात का पद है उसके नीचे तीन की घात का पद लिखा जाएगा, अगर अचर पद है तो उसके नीचे अचर पद लिखा जाएगा। तो इसमें एक्स की घात तीन का पद नहीं होने का हम यहाँ लिख देते हैं माइनस एक्स की घात तीन, अंतिम रूप से अलग लिख दिया है और उसके बाद एक्स स्क्वायर को प्लस एक से गुणा करते हैं तब प्लस का एक एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक को कोई भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसके नीचे लाइन खींच करके सारी संख्या का एक बार एक्स स्क्वायर पर भाग दे दिया गया है, भाग देने के बाद अपने पास जो भाग फल है भाज्य उसमें से हम संख्या को घटाते हैं, घटाते हैं तो निचला भी संख्या के सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में, तब ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब पहले वाले चिन्ह है वो रद्द हो गए इलेक्शन और जो नए चिन्ह लगाए हमने वो चिन्ह माने होंगे, उसके अनुसार बाकी करते हैं कि प्लस माइनस का विलोम हो गया। अब यहाँ ये माइनस का चार एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस का तीन एक्स स्क्वायर पहले था एक एक्स स्क्वायर माइनस का ये और हो गया, लेकिन संख्या का क्रम देखते हुए सबसे पहले ये एक्स की घात तीन आनी चाहिए क्योंकि एक्स का चार के बाद एक्स की घात तीन आती है, एक्स की घात तीन लिखना है और वो प्लस की है क्योंकि माइनस की थी और चिन्ह बदलने पर प्लस बदल गई, तब यहाँ लिखा एक्स की घात तीन प्लस की फिर माइनस का चार एक्स का स्क्वायर फिर चार एक्स और फिर पांच, एक बार भाग दे दिया गया है।
अब संख्या आपके पास पुनः नीचे बच गई, उसमें अगली संख्या का फिर भाग देना है। अब अगली बार हमें देखना, तो अपने पास सबसे पहले पर है उस पर x की घात 3 है, और अपने पास भाजक में पहले से x की घात 2 है, तो हमें प्लस x का भाग दे देते हैं। इसको x से गुणा कर दिया, x की घात 3 माइनस प्लस को माइनस x से गुणा किया, माइनस का x टायर 1 से गुणा किया, प्लस का x चिन्ह बदलने पर बाकी करते हैं। ये संख्या माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसका विलोम हो गया, यहां बच गए माइनस के 3 x टायर, ये हो गए प्लस के 3 x और प्लस 5। अब ये इसमें भाग देते हैं, x स्क्वायर अपने पास है केवल 3 आकर पर माइनस से गुणा करेंगे, माइनस का 3 x टायर माइनस माइनस का प्लस का 3 x और माइनस का 3। आप फिर इसकी बाकी करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा, इसका विलोम हो गया, इसका भी विलोम हो गया, और अपने पास ये प्लस के 8 अंश पर बच गए। इस प्रकार ये भाजक हो गया, ये भाजक, ये अपना भाग बढ़ा गया और ये 8 अंश पर बच गया शेषफल। इस प्रकार ये बहुपद में एक बहुपद के दूसरे बहुपद का भाग इस प्रकार दिया जाता है। और इस बात को विशेष रूप से पूरे नोटबुक में जो में हमने उदाहरण दिए हैं उन पर प्रक्रिया करके इसको अच्छी प्रकार याद कर लें, यानी कि यहाँ भागफल और भाजक का जो गुणा है उसमें घात जुड़ती है, और घात जुड़ने के कारण घातांक के नियम से उसकी पहले जो सबसे एक नंबर पर घात है उसका विलोम करना है, फिर दो नंबर घात का, फिर तीन नंबर घात का, इस प्रकार अंतिम रूप से जो प्रक्रिया के बाद शेष बचेगा वो उसका शेषफल हो जाएगा। प्रश्नावली 3.2 में कुछ से इस प्रकार लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) में g(x) का भाग देना है और बताना है क्या उसका एक गुणनखंड है या नहीं। अगर f(x) में g(x) का पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेष फल शून्य बचता है, तब तो उसका एक